सीधा बालों में कुछ बनवा रही है, पता नहीं क्या बनवा रही है। नजर दूर तक जा रही है, वहाँ तक पार्टी चल रहा है। और तुमको गोवा घुमा थोड़ा सा में। हाँ। तो गाइस हम लोग स्टेशन पहुँच गए और सिर्फ 15 मिनट बचे हमारी ट्रेन को, सब भागम दौड़ी चालू है यहाँ पर। तो अभी स्टेशन पे पहुँच के हम लोगों को पता चला कि हमारी ट्रेन लेट है। क्या बोलेंगे यार, क्या बोलेंगे बताओ, हद हो गई है। वो देखो गाइस सामने बोर्ड लगा हुआ है, हमारी ट्रेन है 12:15 बजे की, जो तीसरे नंबर पे है, प्लेटफॉर्म पे लगी नहीं अभी तक। बताओ आ गई हमारी ट्रेन, आप लोग देख सकते हो पीछे मनुष ट्रेन आ गई है जो लेट थी। और गाइस इसमें एक अच्छी चीज ये है कि इसमें ना 6-6 सीट्स है, जैसे कि 4 यहाँ पे और 2 उस साइड है। तो हम लोगों को फायदा ये है कि हम लोगों को सिर्फ एक ही सीट एडजस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी सीट नंबर है 1, 2 और 4 और 6 है, तो 1, 2, 4 एक ही जगह पे और 6 दूसरी जगह पे। तो हम लोग अभी एडजस्ट करेंगे और 3 को भी अपने अंदर ले लेंगे, तो हम लोग चारों का सेपरेट कैबिन हो जाएगा। गाइस यस, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं ऐसी ट्रेन में जहाँ पे सेपरेट पर्दा डाल के बैठ सकते हैं हम लोग। सो हेलो एवरीवन, वेरी डिस्टर्बेंस, दिस डिस्टर्बेंस इज देयर फॉर फोर डेज झेलना पड़ेगा गाइस, बताओ। सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का नियान की नोक जोक भरी छोटी सी दुनिया में। अब बोलो तुम लोग। हां हम लोग गोवा जा रहे हैं। तुम बचो अच्छा मेरे को लगा मिस बाइक चद्दर में आएगी नहीं। मैंने अम्मी से तकिया लेकर आई थी बुलाने के बाद, जबरदस्ती लगे थे। कैसे मुझे तुम मिल गई, तुमने ना बताया नहीं, तुमने फर्स्ट क्लास की टिकट ली हो। अबे मैं खुद पहली बार आ रहा हूँ। चलो गाइस हम लोग इतना एक्साइटेड कि हम लोग ना लिविंग द मोमेंट कर, तो जो जो मोमेंट आप लोगों को दिखा सकते हैं वही दिखाएंगे, बाकी हम लोग एंजॉय करेंगे, ठीक है। आफ्टर सो लॉन्ग हम लोग ट्रेन में चढ़ चुके हैं। बहुत मजा आने वाली है ना। मिसबा को पता नहीं क्या ही हो गया था, ट्रेन खड़ी है पिछले 40 मिनट से और मिसबा बोलती है ट्रेन आई क्या, आउट ऑफ नोवेयर। हद हो गई नीदा, हद हो गई। तुमने तो साथ में दस्तरखान भी लेके आया मेरे लिए। तुम्हारी सासू माँ ने डाली को मद्देनजर रखते हो, मेरी मम्मी तुमको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ना इसके लिए। मैं बोला थोड़ा नहीं था खाना खिलाओ, सबसे पहले दस्तरखान निकाली इसने, बोला अरे वाह खाना मांगो दस्तरखान देंगे। तुम दिल मांगो जान देंगे, तुम खाना मांगो दस्तरखान। अरे क्या बात है, ओए शायर गालिब खातिब मिसबा खातिब। सो गाइस हमारा मिशन फेल हो गया और हम लोग ऐसे ऊपर आके बैठ गए, जो चाहते थे वो नहीं हुआ। अभी अलग 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 सीट हो गई सबकी। अभी मैं तो पहले ही बोला था कि नहीं होगा, तुम लोग बोले तो हो जाएगा, हो जाएगा। तुम तो कुछ भी हो, तुम तो ऐसा तुम्हारी मर्जी से चलेगा, ये बोलती है अरे हाँ हो जाएगा, अरे मतलब तेरी मर्जी से थोड़ी चलता है। तो लोग गाइस अभी मूड खराब हो गया, तो एक काम करते हैं, सुबह में मिलते हैं हम लोग, सुबह में ही मल्लू छू इंदु गुआ, चलो बाय। तो हम लोग तो उठ चुके हैं गाइस फाइनली, बहुत मजा आ गई, क्या नींद आई है मेरे को, 2 घंटे की नींद आई है, मैं सोया 6 घंटा लेकिन आए 2 घंटे की नींद। झुट्टे तुम फिर भी अच्छे से सोए। हाँ। मैं तो पूरी रात ठंडी से अकड़ अकड़ के सो रही थी, मेरे ऊपर एसी था। अल्लाह तौबा, इतना दिमाग खराब हुआ और अभी तक मिसबा महमूद सो रहे हैं। वो तो छोड़ो, सुबह सुबह सैंडविच वाला निदा को बोला चीज सैंडविच, निदा को लगा चीज सैंडविच में रहेगा मस्त, आलू टमाटर वमाटर, इसमें खाली सैंडविच और चीज है। चलेगा बोलती है, अल्लाह इसमें तो खाली चीज है, तो हाथ उसने बोला तो चीज सैंडविच। बहुत मजा करें। चलो अभी गाइस हम लोग 1 घंटा लेट चल रहे हैं, अभी बज रहे हैं 10, पहुंचेंगे हम 12:30 बजे, तब तक के इमली ये सब दिखाना जरूरी नहीं है। चलो गाइस मिलते हैं डायरेक्टली गोवा में। बाप रे बाप, ये लोग सुबह सुबह 10 बजे देखो ना, सुबह सुबह अभी खुल रहा होता ना तो बराबर खाता सब कुछ। मेरे को याद आ गया, हम लोग गाँव जाते हैं ना तो सुबह उठते तो अम्मी बैठ जाती है, क्या खाओगे लेके, क्या जी ककड़ी टमाटर छुरी उरी लेके बैठ जाते। मतलब ये लोग को इतनी भूख लगी है, लोगों सबर ही ना, कटलेट पाव आ रहा वो ले रहे, समोसा आ रहा वो ले रहे, चीज सैंडविच ले रहे जिसमें खाली चीज है, बोलो भी क्या। अरे क्यों बता, तुम रात में आलू ढेप कर सो जाओ। अबे तुमने भी तो खाया 6 आलू। चलो गाइस अभी हम लोग बस पहुंचने वाले, ट्रेन 2 घंटा लेट है, अभी 2 घंटे बाद पहुंचेंगे, फिर हमें सबसे पहले पिज्जा खाओ, पिज्जा पकता रहता है ना डायरेक्ट मुंह में चले जाएगा। सो गाइज हम लोग है ना मडगांव स्टेशन पे उतरने वाले थे, बट मैंने ना बाहर निकला और लोगों से पूछा कि गोवा से उससे नजदीक स्टेशन कौन सा है, तो हम लोगों को पता चला गोवा से नजदीक है थिरिम स्टेशन। तो अभी हम लोग इमरजेंसी में फटाक से नीचे उतरे, एकदम घाई घाई में सामान वामान ऐसे भी यहाँ पर निकल के सही कर रहे। मैंने लोगों से पूछा कि भाई गोवा सबसे नजदीक कौन सा है, लोगों ने भी बोले सबसे नजदीक यही है, यहीं पर उतर जाओ। तो हम लोग चलती ट्रेन में उतर गए, बताओ ट्रेन चालू नहीं वो बात अलग है। चलो ठीक है, अभी बाहर जाके पता चलेगा कि क्या क्या नहीं है। दरवाजा बंद कर दिया,
सो गाइज हम लोग बाहर आ गए स्टेशन के और यहाँ पे इतनी कड़क धूप है कि लोगों ने छांव में जगह लेके खड़े हुए, बेचारे महबूब भाई वहाँ पर लाइन लगाए हुए। मैं भी वही हूँ लेकिन मैं भी यहाँ पर आया थोड़ा व्लॉग बनाने के लिए। क्या झूठी है, वहीं से तो आया भी मैं। और यहाँ पे टैक्सी की लाइन लगानी पड़ती है, हम लोगों को पता नहीं था, अगर पता होता हम लोग पहले से बुक कर लेते। बट हम लोग स्टेशन भी एंड टाइम पे चेंज हुआ, हम लोग मडगांव पे उतरने वाले थे, फिर हम लोग अच्छा से थीम पे उतर गए। थोड़ा बहुत मैटर हो गया, अभी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। हम लोग कैब में बैठ चुके हैं और ये सब कैब्स गवर्नमेंट अप्रूव रहती है, तो इसका रेट रहता है टीवीम से बागा बीच का नॉन एसी 850 और एसी 1050। तो हम लोगों ने एसी ले, क्योंकि हम लोगों को गर्म बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, देख लो। अब मुझे ऐसा लग रहा है अभी ग्लूकोडी लेना पड़ेगा, इतनी गर्मी, सबकी हालत खराब हो गई। सबसे ज्यादा मजा मैं ऊपर का एसी के सामने पड़े थे, मान गए। सबसे ज्यादा खड़ा मैं वही था ना टिकट लेने के। हां मैं भी तुम्हारे बाजू में खड़ा था भाई। हाँ ऐसा नहीं है, मैं बाजू में खड़ा था। ये रहा हमारा रिसोर्ट, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो ये पूल है, ये पूल में बैठ के भी अपन बैठ के मस्त खा पी सकते हैं। ये है हमारे कॉटेजेस, ऊपर नीचे हमारा रहेगा, कौन सा वाला वो नहीं मालूम क्योंकि अभी तक साफ सफाई चल रही है और हम लोग टाइम से पहला पहुंच गए। अगर हम लोग मडगांव जाते तो मडगांव जाने में 2 घंटा लगता, आने में 2 घंटा लगता और पैसा डबल जाता। बट हम लोगों ने दिमाग चलाया, टीवी में उतर गए तो हम लोगों को अच्छा पड़ा। आप लोग भी ध्यान रखना, अगर आप लोग आ रहे हो तो हमको पता नहीं था, देख लो अभी जाओ अपना 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 अपना। तो गाइज अगले 3 दिन के लिए हमारा स्टे ये है। मैंने उसे बोली थी कि यार व्हाइट कर्टन्स रखना, सिर्फ ये लाल वाल भी डाल दिए, वैलेंटाइन वीक है ना। आई आई मिस बाई देखने के लिए बोले कौन सा रूम अच्छा है। आई आई अंदर मत, अंदर ही मत, नहीं 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 हम लोग का रूम अच्छा है। नहीं बता, नहीं बता, सेम है, सेम है। हम लोग पूरा चेंज करके रेडी हो गए, हम लोग पूल में भी जाके आए, थोड़ी देर थोड़ा एंजॉय करके आए वहाँ पर। और मस्त मेरा आउटफिट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, रुक जाओ पहले निदा का दिखाता हूँ। ओह ब्यूटी इज गेटिंग रेडी, ओह माय गॉड। गाइज मैंने कल 3 जूते लिया, ये देखो गाइज क्या सेक्सी जूता है यार, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये जूता। और एक ये लिया हूँ, तो गाइज ये 2 जूते मैंने यहाँ पर लाया हूँ, बाकी का जो 1 जूता है वो मैंने घर पे रखा हूँ, वो आप लोगों को बॉम्बे जाके मैं दिखाऊंगा। वो जूता तो क्लास है गाइज, कैसे बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, मेरा आउटफिट दिखाता हूँ, रुक जाओ। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बोला कि मैं आप लोगों को अपना आउटफिट दिखाऊंगा, तो रुक जाओ पहले निदा का दिखाना जरूरी है गाइज। वू चलो मेरी बारी। ओहो बस मेरे बाल को छोड़ के जज करना गाइस, बाल को छोड़ के जज करना गाइस, बाल मेरा कभी जिंदगी में सेट नहीं है ना। तभी हम लोग को बाइक ढूंढना है रेंटल, फिर उसके बाद हम लोग देखते क्या करना है। यहाँ पे हो रही है बहुत ही बड़ी दुर्विधा, आज संडे है बाइक नहीं मिल रही रेंटल के लिए बोलो। और गोवा में बिना बाइक के हाँ इसको चलना चलना इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि अभी खा खा के पेट इतना बड़ी है कि चलते तो पूरा बॉडी का वजन पैर पे जाता है, पैर सूज जाते हैं। चलो फटाफट गाड़ी ढूंढते यार। हाँ यार तो रेंटल बाइक्स ले रहे हैं हम लोग, पर उससे पहले वीडियो लेना जरूरी है, कल को कुछ हुआ तो नहीं हुआ तो भी हम लोग पे नाम आ सकता है ना सुजी। यस जरूरी है, मिसबा तो यहाँ पे चूज करने में ये लू की वो लू। हम लोग बैठ गए हमारी सफारी सफारी बोल सफारी में, और बहुत मजा आ रही है सीरियसली, फुल गोवा वाइब्स आ रही है, मतलब एकदम मजा आ रही है, पसीनो वसीनो लेके चला रहे। सुफियान को वेस्पा चाहिए थी जो नहीं मिल पाई, कोई नहीं जो मिली है उसमें खुश रहना चाहिए। मेरे को थार भी चाहिए, थार चलाऊंगा मैं इंशाल्लाह, मजा आ जाएगी ना। माय गॉड सुफियान यहाँ पे भी ट्रैफिक। हाँ यार देखो ना बॉम्बे की याद आ गई, बॉम्बे की याद आ गई कसम से, इतनी ट्रैफिक है जो शॉप से नॉले बहुत अच्छा लग रहा है देख के, थोड़ा बहुत मुझे लोनावला जैसे भी लग रहा है। सुफियान इज मोर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन बाइक बिकॉज बाइक पे अगर स्क्रैचेस आ गए तो पैसा देने पड़ेंगे। हमारे लिए मैकडोनल्ड्स का प्यार इतना है कि हम लोग आउट स्टेशन आगे भी यहीं पर आते बोल। और कितनी खुशी हो रही है यहाँ पे, लोग आते हैं फिश ट्राई करने, बोम्बिल खेकड़ा पापलेट। तो गाइज अभी इसके बाद हम लोग जब रात में खाने जाएंगे तो प्लीज ब्रो हम लोग मच्छी खाएंगे। अभी पता चला मिसबा ने हम लोगों को मैकडोनल्ड्स क्यों लाए, क्योंकि यहाँ पे ऑफर है। मैं देखो कैसा ढूंढ रही ऑफर, मैंने भी अपना ऑफर निकाल लिया, महमूद भाई भी ऑफर निकाल लिया अपना, सब जा रहे हैं मस्त खाने। तुम लोग के ब्लॉग पे पता चल जाएगा। वो अभी नहीं बताएंगे। सो गाइज ये लोग अभी हमारी वीडियोज ही देख रहे थे और उन लोगों को एयर ड्रॉप चालू किया तो मिसबा का कनेक्ट, तो उनको लगा कि मिसबा सही में यहाँ पर है क्या। जब देखे तो हम लोग यहीं पर ही थे तो इतना जोर से चिल्ला गया, मैं डर गया, मैं भी डर गई, कुछ गलत कर दी क्या मैंने। थैंक यू सो मच। तुम्हारे नसीब में चॉकलेट शेक है ही नहीं, सबका खाना हो गया, दूसरे जो बाजू बड़े थे वो लोग भी चले गए, नए आ गए, फिर तब तक मेरा चॉकलेट शेक नहीं आया। और इसने अपना ये बर्गर बचा के रखा है क्योंकि इसने एक चॉकलेट शेक खत्म कर दिया है और बोला कि अभी ये बाकी का मैं दूसरे के साथ खाऊंगा। और मैं आधा आधा खा रहा हूँ तो मेरा मुँह फूल नहीं रहा है ना। आएगा आएगा आएगा, आधे घंटे से ट्राई कर रहे हो, आएगा। तो गाइज आप लोग ने वो देखी है
इससे पहले यहाँ पर पेट्रोल ऐसा होता है कि बॉटल्स में भी बिकती है। जो लोगों को ऐसा था कि एक्चुअली मैं पेट्रोल पंप बागा बीच से 1.7 किलोमीटर या 1.3 किलोमीटर कुछ ऐसा ही है दूर है जो हम लोग अभी गए थे, तो यहाँ पर लोग इसलिए स्ट्रीट पे ऐसा बॉटल में पेट्रोल बेचते जो अभी इससे पहले क्लिप में आपने देखे थे। वाओ क्या बिजनेस चला रहे हैं यार यहाँ पे तो। हाँ सुफियान हाँ एकदम धंधा मंदा है। ये है कीटोज लेन जो सुफियान बोल रहे थे इतने टाइम से। सुफियान प्लीज मुझे यहाँ से शॉपिंग कराना। अबे शॉपिंग शॉपिंग नहीं था, तुम तो खत्म ही नहीं होती तुम्हारी शॉपिंग। तुम गाड़ी पे ध्यान दो, भाड़े वाली गाड़ी पागल स्क्रैच आए ना पैसे देने पड़ेंगे। बाप रे बाप इतनी सारी शॉपिंग के लिए है यहाँ पे चीजें। सुफियान अभी तुमको यहीं पर छोड़ दूंगा मैं, निकल जाऊंगा। मैं तो पागल हुए जा रही हूँ ऐसा सोच रही हूँ कब हम लोग का शॉपिंग वाला डे आएगा और मैं कब शॉपिंग करूंगी। जितनी नजर दूर तक जा रही है वहां तक पार्टी चल रहा है। चप्पल का है मेरी दीदा बालों में कुछ बनवा रही है, पता नहीं क्या बनवा रही है। गोवा में आओ ये ना कराओ तो हो ही नहीं सकता है। सही बात है। हमें वहाँ से निकलना पड़ा बिकॉज वहाँ पे इतना क्राउड था और इतने गाने बज रहे थे कि इसकी कोई हद नहीं है। ब्लॉगिंग भी नहीं हो पा रही थी और हम लोग खाना खा चुके हैं अभी, जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग मैकडॉनल्ड्स जाके घुस गया है के वजह से हम लोग को शैक्स में भी बैठने का मन नहीं कर रहा था कि बैठ के करेंगे नहीं क्या। इसके लिए बोलते नहीं था तुमको बे टाइम खाना मत खाए, अगर आप ये खाना नहीं खाए तो खाने का था यहाँ पर शैक बैठ के खा लेते ना। गोटा गोटा चला गया, कल खा लेंगे गोवा। तो हम लोग इतने एक्साइटेड नहीं है जितने मैं और महमूद बैग हम लोग दोनों फर्स्ट टाइम आए हुए, तो हम लोग वहाँ पे मस्त डांस वांस कर रहे थे, लोग हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे। तो कितना डांस किया छुट्टी, तुम रोज तो नचाते हो मेरे को। मेरे नचाने में और गाने पे नाचने में अलग फर्क है सर। हम लोग होटल पे आ गए थे, चेंज वेंज कर लिए थे, थोड़ा बैठ रहे थे क्योंकि लिए हमें दूध सागर जाना है, उसके लिए इंक्वायरी बहुत महंगा हो गया है, उसके लिए इंक्वायरी कर रहे थे। और उतने में हम लोग को याद आया कि 12 बजे सब कुछ होटल्स बंद होने वाली है, बट हम लोगों ने मैकडॉनल्ड्स में इतना खा लिए जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो हम लोग को अभी भूख ही नहीं लग रही है। ऐसे लोगों की तरह बे टाइम पे खाना मत खाया करो, इसके लिए बोलते यार जाओ पकाओ मत पकाओ मत अभी खाना मिलने वाला नहीं, चलो पहले पकाने का। हम लोग पहले खाना लेकर हम लोग सोचे कि होटल पे रहते हैं क्योंकि हम लोग को रात भर जागना है, थोड़ा एंजॉय करना है। क्या बोलते हो मिसबा? यस डेफिनेटली। और मिसबा का नाइट सूट तो देखो। और महमूद भाई की हम कल फ्लाइट करा रहे हैं। और महमूद भाई को वापस भेज रहे हैं। महमूद भाई बहुत किटकिट करते हैं, इनको भेजो। अरे लोग पूरा टाइम मोबाइल में लगे बोल रहा हूँ चलो बाहर। हाँ चलो आज एंजॉय करते हैं, महमूद भाई को बाहर नचाएंगे और चलो देखते हैं क्या खाने को मिलता है, वो सब ले लेते हैं। तो गाइस हम लोग इतने मुंबई अंजे की हम लोग गोवा में आके भी दाल चावल मांग रहे, बोलो वेज रेस्टोरेंट में। क्योंकि ले कभी बाहर जाओ तो सादा खाना खाओ जिससे पेट खराब ना हो। हम लोगों का तो पेट बहुत जल्दी खराब हो जाता है। दाने इतना दिमाग खराब करी दू होटल वाले का, भैया इसमें क्या है, वेज थाली में क्या है, पनीर थाली में क्या है, चिकन क्रिस्पी क्या है, चिकन, अरे वो भी परेशान हो गए, गलत गलत बिल छाप रहा, बोलो क्या। एक मिनट तुम्हारे वजह से गलत छापा, पहले तुमने बोला दाल, ये खाली इल्जाम लगाती मेरे ऊपर। बस 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 चलो गाइस मैं जा रहा हूँ, बाय अल्लाह हाफिज़। तो गाइस मुझे अभी पता चला कि ये लोग बार बार क्यों बोलते हैं बाइक पे राउंड मार के आते हैं। ये लोग ना यहाँ पर जितनी भी शॉपिंग की दुकान है सब नजर में रख रहे, बोले जब शॉपिंग पाएंगे तो कहाँ कहाँ क्या मिलती है सब पता होना चाहिए। तो मैंने रख दी हूँ नजर में, सब देख रहा हूँ मैं आईने में से देख रहा हूँ, यहाँ अरे इधर ये मिल रहा है, इधर वो मिल रहा है, इधर, अरे मैं बोला बस कर भाई या घूमने आया तू, जरा वेदर देख, लोकेशन देख, शॉपिंग की चीजें देख रही है। वेदर क्या है, लोकेशन क्या है, सिर्फ शॉपिंग की लोकेशन है। ये बम्बई के लिए किचन निकल, तुम्हारा क्या कहना है? नहीं कुछ नहीं। महमूद भाई आपका क्या कहना है? महमूद भाई तो बिग बॉस ही देख रहे, बोलो कब से, कौन जीतेगा कौन नहीं, महमूद भाई को मचलाहट हो रही है अंदर, क्या बताओ बोलो। तो हमें मिसबा की बहन दिख गई यहाँ पर, लड़का है जो तुम्हारा भाई है, ठीक है, पर निजाने की सेम कपड़ा पहनी है, लड़का है, सो गाइज हम लोग अभी फाइनली घर पे खाना वाना खा के रेस्ट करके मस्त एकदम एंजॉय करके हम लोग सब मस्ती मजाक करके सब कुछ करके, इधर माँ कसम चबड़ चबड़ गुलाब जामुन, इधर बोली थी मैं नहीं खाऊंगी, तीन दे दिया तो मिसबा बोली लाओ मैं खा लेती हूँ, इतनी झूठी। और महमूद भाई तो बेचारे सो गए, उनको तो बोले तुम लोग जाओ मैं तो सो रहा हूँ अपना। तो गाइस ब्लॉग यहीं पे एंड करते, चलो गाइस ब्लॉग एंड करते, आ जाओ। सो थैंक यू बोलो जरा, थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर आपके ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। लव यू, अल्लाह हाफिज़।